अभिनंदन चंदन, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर एंड द चीफ बनी, वेलकमिंग टू यू ऑल्सो ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ पहले से ही पहचान बनती है। शिक्षा देने से ही शिक्षा में आप में होगा, हर जगह मान सम्मान मिलेगा। सच्चाई शिक्षा नहीं होगी आपको। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के थलवारा पंचायत में दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक ब्रांच और खुल गया है। इस क्षेत्र के बच्चों को अब आसानी से पढ़ाई लिखाई होगा। ये देख सकते हैं, ये हैं कृष्णानंद मिश्र, थलवारा पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लोगों को आसानी होगा, जो दरभंगा लहरे से अपने बच्चों को भेजते थे उन्हें अब अपने गाँव में ही बेहतर सुविधा मिल जाएगा, ऐसा स्कूल के प्रबंधक ने कहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, देख सकते हैं थलवारा पंचायत है और ये बरमुत्रा गाँव है, जहाँ पर सभी बच्चों को सभी अभिभावकों को आज के दिन आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, इस क्षेत्र के जो जिला परिषद हैं बबलू शानी, इस पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि कृष्णानंद मिश्र, इस पंचायत के मुखिया हैं कामदेव यादव। साथ ही आपको बता दें कि जो दृश्य यादव हैं या फिर सुनील कुमार यादव की बात पर सरपंच हैं इस पंचायत के, ऐसे बहुत सारे लोग सभी वार्ड सदस्यों को सरपंच के साथ साथ पंचों को बुलाया गया था, पंचायत समिति, ऐसे सभी लोग मौजूद हैं और सभी लोगों को बुलाया गया था। देख सकते हैं खुद यहाँ पर मदन सहनी ने सभी लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं और आज के दिन उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो दरभंगा के थलवारा पंचायत में दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक और ब्रांच खुला, आसानी से लोग बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि इसमें विद्वानों सबको भी बुलाया गया था और मदन सहनी ने कहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट में, मगर बच्चों को पढ़ाएं। देखिए सर, ये स्कूल जो खोला गया है, मेरे प्रोफेशन है और मेरे डॉक्टर डिजाइन का भी है, और स्टार भी हैं नियर पर, लर्निंग साइंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अभी वो करेंटली मधुबनी में ससुरबाई कॉलेज के प्रिंसिपल उनके द्वारा चल रहे हैं। शुरुआती गांव के गलियों में खोलने का क्या उद्देश्य है? गाँव को मैडम शिक्षा के स्तर में बहुत ही आगे बढ़ा दे। बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? जो स्कूल का जो व्यवस्था होता है वो सभी फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की है। यहाँ पर कितनी से कितनी क्लास तक की? नर्सरी होम 12 तक हम लोगों ने प्लान किया है, बट अभी जो इनिशिएट किया है उसमें 12 क्लास के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सब कपिल। कौन है? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल का हमारे थलवारा ग्राम में उद्घाटन था और हसन जी हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रोवाइडर हैं, उनका कई दिन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो शहर से लेके गांव तक आज आने का प्रयास किए हैं, जो गांव-गांव में शहर का बच्चा पढ़ता है गांव में भी पढ़ना चाहिए, इसलिए गांव में थलवारा स्कूल थलवारा में बना है दिल्ली पब्लिक स्कूल और आज से स्कूल का उद्घाटन हुआ है। आज के बाद बच्चा को शिक्षा दिया जाएगा, स्मार्ट क्लासेज है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो गांव-गांव पर जाके विश्वास किए हैं, जो गांव में आके स्कूल बनाए हैं। भगवान से कामना करेंगे स्कूल का साथ चले, बच्चा का भविष्य अच्छा से बने, ये हमारी कामना है। स्वागत हुआ है आपका यहाँ पर? जी जी। किनके द्वारा? वो उनके तनवीर जी की पत्नी थी। कामना देंगे स्कूल को? देखिए इनका तो मोड़ों में भी एक गोदाईपट्टी में चल रही है कम्ब्रिज स्कूल, वहाँ के पठन पाठन के देखते हुए यहाँ भी लगता है कि शिक्षा की आस रहेगी। और दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अपने आप में फ्रेंचाइजी है, जो इस फ्रेंचाइजी से अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ रहेंगे और बेहतर सुविधा के साथ यहाँ के बच्चों को पठन पाठन में बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी और साथ ही शुभकामना है इस तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या नाम हुआ? उद्घाटन समारोह में शामिल अंग्रेजी के विद्वान परम आदरणीय श्री विजय कुमार मिश्रा जी, सुनील यादव जी, इस पंचायत के मुखिया जी, इसको कहने की आवश्यकता नहीं, जिनको स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना है वह बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हम अपने बहुत सारे संसाधन को बहुत सारे जरूरतों को कम करके और अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो निजी विद्यालय में भी पढ़ाने के लिए वह स्वतंत्र है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और यही कारण है कि अब हर जगह हर गाँव में, शहर में तो बड़े से बड़े स्कूल हैं ही और एक से एक बड़ा बड़ा स्कूल है, लेकिन गांव के अंदर भी बहुत सारे स्कूल खुले हैं निजी स्कूल, और उसमें भी बच्चों की संख्या है और सभी स्कूल लगभग चल रहे हैं। यह अलग बात है कि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा
चूंकि बहुत सारे स्कूल का उद्घाटन करने का अवसर मिलता है, हम लोग को अफसोस भी होता है कि उस पीरियड में हम लोगों ने कुछ जगहों पर स्कूल का उद्घाटन किया था, लेकिन कोरोना के कारण उसमें हमारे जो भी स्कूल के डायरेक्टर थे या जिन्होंने भी इसका संचालन का शुरुआत किया था उनको नुकसान हुआ, कई स्कूल बंद हुए। लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल या ज़्यादातर स्कूल कहिए जो खुले हैं, वह स्कूल तरक्की किया है। और सिर्फ स्कूल ही तरक्की नहीं किया बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हुआ है। इसलिए हम लोग इस बात में कोई अंतर नहीं करते हैं कि कौन माता पिता बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कौन माता पिता बच्चे को निजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप जहां भी पढ़ाइए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और निश्चित रूप से हम लोग तो एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि अब तो हर परीक्षा के बाद, चाहे वह मैट्रिक का परीक्षा हो, इंटर का परीक्षा हो, या ग्रेजुएशन हो, या आईआईटी का परीक्षा हो, या यूपीएससी का परीक्षा हो, बीपीएससी का परीक्षा हो, मेडिकल का परीक्षा हो, हर परीक्षा के रिजल्ट के बाद यह आता है लगातार एक सप्ताह, कम से कम आप लोग भी देखते होंगे, चाहे टेलीविजन पर देखिए कि अखबार में देखिए, निकलेगा कि किसान का बेटा ने, किसान की बेटी ने फर्स्ट डिवीजन किया, किसान का बेटा ने डॉक्टर बन गए, मजदूर का बेटा इंजीनियर बन गए, और एक से एक गरीब के बारे में लिखा जाता है कि उनका भी बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बना। तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि अब कोई भेदभाव नहीं है और न ही कोई रोकने वाला टोकने वाला है। जो भी बच्चा पढ़ेगा, चाहे वह अमीर का बच्चा हो कि गरीब का बच्चा हो, जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। हम लोग तो सभी लोग देखते हैं, यहाँ हमारे कई कई विद्वान बैठे हुए हैं, कि आपके गांव के अंदर ही आप नजर घुमा करके देख लीजिए, एक से एक मजबूत परिवार है, लेकिन अगर वह बच्चा, उनके परिवार का बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो वह परिवार ज्यादा दिन तक समाज में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। लेकिन उसी गांव के अंदर में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अगर पढ़ लिख करके सही मुकाम हासिल करता है तो वह अपना भविष्य तो बनाता ही है, अपने परिवार का भी नाम रोशन करता है। तो आज के दिन में यह अति आवश्यक है कि हम सभी लोग इस बात को, महत्व को समझे, शिक्षा के महत्व को जाने और अपने बच्चे को नियमित रूप से हम लोग स्कूल भेजने में उनको सहयोग दे। और स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होता है, वहाँ भी जो मीटिंग होता है गार्जियन मीटिंग, हम लोग देखते हैं कि गार्जियन उसमें आते नहीं, हमारे शिक्षक को लगातार उसके लिए मेहनत करना पड़ता है कि गार्जियन आवे और बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसके बारे में गार्जियन को बतावे। तो आप सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा करके घर पर सोने की आवश्यकता नहीं है, अपने बच्चे को परखने के लिए, जांचने के लिए कि स्कूल में आपको किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है, पढ़ाई में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है कि नहीं पढ़ लिख रहा है, उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको नियमित रूप से जब भी स्कूल में बुलाया जाए तो निश्चित रूप से आइए और स्कूल के शिक्षक से, जिस शिक्षक के द्वारा आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है, उनसे जरूर आप जानकारी हासिल कीजिए कि हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा निश्चित रूप से स्कूल में ही पढ़ेंगे और स्कूल से जाने के बाद घर पर भी पढ़ेंगे और तब जाकर के निश्चित रूप से उनका अच्छा रिजल्ट होगा। और जब आपका बच्चा जो हमारे क्लास वन में पढ़े या पांचवा में पढ़े, छठा में पढ़े, अगर हम बचपन में ही हमारा जड़ मजबूत हो जाता है, कामना देंगे स्कूल को। देखिए इनका तो मोड़ों में भी एक गोदाई पट्टी में चल रही है कम्ब्रिज स्कूल, वहाँ के पठन पाठन के देखते हुए यहाँ भी लगता है कि शिक्षा की आज चलेगी। और दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अपने आप में फ्रेंचाइजी है, जो इस फ्रेंचाइजी से अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ रहेंगे और बेहतर सुविधा के साथ यहाँ के बच्चों को पठन पाठन में बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी। और साथ ही शुभकामना है इस तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या नाम हुआ? बबलू संजय। मांग किए हैं बच्चा का तोता पढ़ने लिखने में, कौन मुसारी बता है
थलवार 8 नंबर वार्ड लॉकडाउन सॉरी। वहाँ स्कूल नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था है। बच्चा सब कहाँ जाता बच्चा है? सब खोपड़ी में पढ़ता है, टीचर आता है खोपड़ी में पढ़ाता है, कोई व्यवस्था हाँ। नहीं है। तो वहाँ बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं? बैठने ही के जगह नहीं तो कहाँ पे पढ़ेगा? बैठने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है वहाँ। किससे मांग किए हैं? मांग किए मदन सोनी जी से, मंत्री से। मंत्री क्या बोले? बोला जो घर पर आइए व्यवस्था कर रहे हैं। इस उनके घर पर व्यवस्था होगा सरकारी स्कूल का? सरकारी स्कूल का माने घर वही व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गणेशी सर, 8 नंबर वार्ड। हर शब्द के एक एक अक्षर में रहस्य छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है, अर्थ छुपा हुआ है और धारणा छुपी हुई है, इसे समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं सिर्फ स्कूल शब्द पर नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्कूल को भी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ नट सेल में मैं कहूंगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कूल, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ स्कूल, स्कूल की अवधारणा क्या है, स्कूल का अर्थ क्या है, ये हमें समझना होगा, तभी हमारी शिक्षा सार्थक हो सकेगी, तभी हमारी शिक्षा जिस लक्ष्य से शिक्षा दी जाती है वो हम मिल सकता है। हमारे पूर्वक्ता के अनुसार अभी अभी कहा गया है संस्कार के बारे में। हे मदन, आप तो मदन गोपाल हैं, गोपाल मिल गए हैं हमको, यह तो मेरा सौभाग्य है, यह तो मेरा सौभाग्य है, यह तो मेरा सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वह काम हो गया है, सभी पंचायत में हमने स्कूल पहले ही दे दिया। 2010 से 15 के बीच में हम लोगों ने मात्र बहादुरपुर में विधानसभा में 37 पंचायत में मुश्किल से 10 पंचायत में हाई स्कूल रहा होगा। 27 पंचायत में हमने 5 साल के अंदर में 27 पंचायत में हाई स्कूल देने का काम किया। और सभी जैसा कि सरकार का नीति है कि सभी हाई स्कूल प्लस टू हो चुके हैं और सभी जगह बिल्डिंग भी बन रहे हैं, तो यह काम सब चल रहा है। लेकिन आज का यह अवसर इस विद्यालय का है और इस विद्यालय के शुभारंभ पर हम सभी लोग शुभकामना देते हैं कि तबरेज